दोस्तों WhatsApp के दो और नए कमाल अपडेट्स के बारे में बातें हो रही है। वैसे तो WhatsApp का हर एक अपडेट जो हो कमाल का ही होता है, लेकिन पर्सनली ये दो अपडेट जो हो मुझे काफी पसंद आए हैं, तो आज की वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज हम इन्हीं के बारे में बातें करने वाले हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले हमारे एक व्यूअर ने एक वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि यार हम जो है वो क्या एक WhatsApp को दो मोबाइल में चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते हैं। तो मैं भी उनकी भगवान ने सुन ली या फिर यूं कहें कि WhatsApp वालों ने सुन ली। तो अब जो है फाइनली ये अपडेट आने वाला है बहुत ही ज्यादा जल्द, और ये उन दोनों अपडेट्स में से एक है। वो है रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन, मतलब इसके जरिए आप जो है वो एक WhatsApp को दो अलग अलग मोबाइल्स में यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर उनका इंटेंशन क्या था, मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड का WhatsApp अपने मोबाइल में चलाना चाहते थे या फिर क्या करना चाहते थे, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन हम उस अपडेट के बारे में बात करें और यहां पर बात करें कि वो किस तरीके से काम करेगा, जो रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन अपडेट आने वाला है वो किस तरीके से काम करेगा। तो यहां पर आपको क्या करना होगा कि आप जब दूसरे मोबाइल में वो WhatsApp यूज करना चाहते हो तो वहां से एक मैसेज सेंड होगा आपके प्राइमरी WhatsApp पर, मतलब यहां पर जो आप पहले से यूज करते हो जिस डिवाइस में, जिस मोबाइल में WhatsApp, वहां पर आपको एक कोड मिलेगा और वो कोड जब वहां पर आप डालोगे तो आप वहां पर भी अपना WhatsApp जो हो वो यूज कर सकते हो दूसरे मोबाइल पर। अब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी का भी WhatsApp जो हो अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो मतलब यहां पर ये अपडेट आएगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप जो हो इस तरीके से हैक कर सकते हो, तो ये गलत होने वाला है। यहां पर आपको उस कोड की जरूरत होगी, तो मतलब उनकी बातों में मत आना कि हैक कर लीजिए, वो हैक नहीं होगा। दूसरे अपडेट की बात करें तो वो है डिसअपीयर मैसेजेस, मतलब यहां पर जब आगे वाले को आप मैसेज भेजते थे तब वो डिलीट फॉर एवरीवन फीचर से ही वो आगे वाले के मोबाइल से हटता था मैसेज, तब तक कि उसने नहीं पढ़ा था तब तक। लेकिन यहां पर ये जो डिसअपीयर मैसेजेस क्या होगा कि आप जब अगले वाले को मैसेज भेजोगे तो वहां पर आपकी टाइमिंग आ जाएगी कि आप जो हो कब तक उसे दिखाना चाहते हो, मतलब एक घंटे तक, दो दिन तक, चार दिन तक, एक महीने तक, एक साल तक, कुछ ना कुछ लिमिट, टाइम लिमिट होगी जरूर से। इसके बारे में अभी तक ज्यादा बातें नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर जब भी ये आएगा तब मैं आपके साथ में और वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। तो मतलब यहाँ पर यह क्या होगा कि आप जब अगले वाले को मैसेज भेजोगे तो अपने आप से उस टाइम पीरियड के बाद में जितना भी आपने रखा था कि भाई एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे या फिर 15-20 मिनट, तो वो उसके बाद में अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा वहां से, उस अगले वाले के डिवाइस से हट जाएगा। तो मतलब ये एक और नया अपडेट हो सकता है। तो बस यही थे दो अपडेट जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, इसके बारे में यहाँ पर मैंने वीडियो बनाकर आपके साथ में शेयर किया है। वैसे अगर आप चाहते हो कि WhatsApp रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स के बारे में वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल तो यूँ है कि ये सारे अपडेट्स जो है वो बीटा वर्जन में है, हम इन्हें इस्तेमाल कर नहीं सकते, हम जो है वो इनका यूज कर नहीं सकते। वाह, मतलब बहुत ज़्यादा घटिया और कॉपी शायरी के बाद में वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव है कमेंट जरूर करिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी क्या सवाल या सुझाव है, और आप अपडेट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और पास में बेल करिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसके बगैर आपको ऐसी चीज़ वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। कोई भी सवाल या सुझाव है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा आपको धन्यवाद।